write down the problem. If f dash x, if f dash x greater than 0, if f dash x greater than 0, f dash x greater than 0, comma, f double dash x is also greater than 0. Ye given hai ki twice differentiable hai. And x2 greater than x1 greater than x2 is greater than x1, then show that f of x1 plus f of x2 is greater than f of x1 plus x2 by 2, two times. Concentrate kariye, hume ye show karna hai ki if x2 is greater than x1 and f dash x is greater than 0, f double dash x is also greater than 0, then f of x1 plus f of x2 is greater than 2 times, it's greater than 2 times f of x1 plus x2 by 2. So now focus here ki isse dekhke ye thoda sa ye strike karta hai ki x1 plus x2 by 2 ye kis type ka expression hai. It's the midpoint of x coordinate of midpoint of line segment joining two points A, x1 y1 and B, x2 y2. तो उसी से रिलेटेड है. तो छोटे छोटे से हम कंक्लूजन निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. कंसंट्रेट करिए, ओनली अगर मैं एफ डैश एक्स के बारे में फोकस करूं तो मेरे पास ये कंक्लूजन आता है कि फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. भाई फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन है, दैट्स व्हाई वी कंक्लूड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर मैं f double dash x greater than 0 इस पर फोकस करूं तो मेरे पास कंक्लूजन आता है, द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड. द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड इस टाइप का है. तो इनफैक्ट इन दोनों को अगर मैं कंक्लूड करूं, दोनों की हेल्प से आगे बढ़ूं, तो मेरे पास कंक्लूजन ये आ गया, द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग. वैल्यूज नहीं मालूम लेकिन है कैसा, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग, मतलब लाइक ऐसा कुछ है फंक्शन मेरे पास, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग, लाइक वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अब हम बात करते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट हैं, इसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए ए, एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन दिया था मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स वन कॉमा एफ एक्स वन मान लिया. वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एफ एक्स वन आएगा. अगर एक्स वन ये वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, जो मैंने कंक्लूजन निकाला था कि द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग, उसी टाइप से बी पॉइंट, बी इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ऑफ एक्स टू. वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ऑफ एक्स टू. अब ना वो ध्यान से देखो कि बिकॉज द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड, तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं ए बी को, ए बी को ज्वाइन करता हूं, तो ए बी लाइन सेगमेंट पे हर पॉइंट इस लाइन से ऊपर है, कर्व से ऊपर है. तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 by 2 कॉमा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 by 2. ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो इसको अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये नेसेसरली ये क्या है, कर्व से ऊपर है, बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपवर्ड. तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ चुका है कि फंक्शन जो भी है कॉनकेव अपवर्ड है, और एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एम है पॉइंट का नाम, और कोऑर्डिनेट्स हैं एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एक्स कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट है f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 by 2. तो ये जो पॉइंट है वो कर्व से ऊपर लाई कर रहा है. अब ध्यान से समझिए, कर्व से अगर ये ऊपर लाई कर रहा है तो अब बहुत काफी आसान सी बात बची है. अगर मैं ये कर्व से ऊपर लाई कर रहा है तो ये जो y है, ये y है मैं, इसके करस्पॉन्डिंग कर्व पर लाई करने वाला पॉइंट अगर P है और ये Q है,
तो हम ये आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि xm, xp और xq ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, सेम होंगे भाई, x कोऑर्डिनेट है, सेम होंगे। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कर्व से ऊपर है तो नेसेसरीली हम ये कह सकते हैं कि वाई एम इज ग्रेटर देन वाई पी, और वाई पी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई फंक्शन होता है, वाई पी क्या होता है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना वाई पी का, x1 प्लस x2 y2, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, f ऑफ x1 प्लस x2 by 2। तो कंसंट्रेट करिए, हमारे पास आ गया वाई एम कितना है, x f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 by 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस x2 by 2। इनफैक्ट हमने क्या किया, ढंग से समझिए, सबसे पहले ये डिसाइड किया कि द फंक्शन इज गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से, फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग। एक बार ये डिसाइड हो गया तो फिर दो पॉइंट लिए मैंने, ए एक्स वन एफ एक्स वन, बी एक्स टू एफ एक्स टू, और इनका मिड पॉइंट देखा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू बाई टू। फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये चेक किया कि इन तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हैं, सेम है, और इस एक्स कोऑर्डिनेट के कोरिस्पोंडिंग कर्व पे लाई करने वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको कंपेयर किया किससे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम। हम पहले ही पता कर चुके हैं कि एम कैसा है, अबव है, तो मेरे पास क्या आ गया, जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी वो जो शो करनी थी वो हो गई, ठीक है ना, ओके।